नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर से एक बार मैं सबको मेरे YouTube चैनल रॉन यूट्यूबर में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज का स्पेशल है भाई, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं और थोड़ा सा नर्वस भी हूं, क्योंकि पहली बार अपने एक मोटो व्लॉगर जिनका मैं फ़ैन हूं, चिंतामणि जयपुरी जी, इनसे मैं मुलाकात करने जा रहा हूं। आज एक मौका मिला है, वो अपने लद्दाख के राइड पर है, जिसका नाम मिशन लद्दाख 2021 करके नाम दिया हुआ है। और इनका मोटो है वैक्सीनेशन के बारे में सबको अवेयरनेस फैलाने का। तो आज इनसे मुलाकात होने वाली है। वो यहाँ पे पहले दिन का राइड कंप्लीट किया उन लोगों ने रायपुर से सियोन की तरफ, और सियोन में रुके। अगले दिन आज का दिन तो वहाँ से ग्वालियर में आ रहा है, 600 किलोमीटर कवर कर रहे हैं और ग्वालियर में रुकने का फैसला लिया हुआ है। तो हम सारे जो यूट्यूबर्स हैं ग्वालियर के, तो सब आप मिलना चाहते हैं उनसे, और सच में बहुत ही एक्साइटिंग है, मैं आपको बता दूं। और उनसे मिलना है, उनसे थोड़ी बात करनी है, उनसे गाइडलाइंस लेने हैं, और ज़रूर उनसे तो फोटोग्राफ्स होना ज़रूरी है। ये अपने अपने यादगार के लिए, मेमोरीज़ के लिए हम इसे कलेक्ट करके रखेंगे। सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह से इंस्टाग्राम में इनको टटोल रहा हूँ, मैसेजेस देख रहा हूँ मैं, कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया, और इनके पोस्ट देख रहा हूँ, स्टोरीज देख रहा हूँ बार बार कि कहाँ तक पहुँच गए। आखिरी स्टोरी जो थी वो 250 किलोमीटर है ग्वालियर के लिए, और मालतोन करके जो जगह है वहाँ पर है एक टोल प्लाजा, वहाँ पर थोड़ा सा पानी वानी का ब्रेक लिया हुआ है और वहाँ से स्टोरी डाला हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम पे इनकी स्टोरीज़ को, मैं किस तरीके से टटोल रहा था, क्या क्या चीज़ें देख रहा था, और इनके लिए भी टैग करके देखा हुआ है मैंने, ताकि वो भी देख सके। क्या राइड थी आज, इतनी ज़बरदस्त मक्खन राइड थी और इतनी फास्ट राइड थी। हम लोग ऑलमोस्ट ग्वालियर पहुँच गए, बस होटल है हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर। वेल्डन वेल्डन बॉयज वेल्डन। तो आखिरकार चिंतामणि भैया ग्वालियर पहुँच गए है। उनका जो लेटेस्ट अपडेट था, 15 किलोमीटर दूरी पर है होटल से, और कौन से होटल में रह रहा है ये पता नहीं है, ये अभी तक तो सीक्रेट रखा हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कहाँ ठहर रहे हैं और उनका अपडेट हमें कब मिल रहा है, अभी तक वेट कर रहा हूँ मैं। करीबन 6 बज रहा है अभी, बस इंतज़ार में, आपस में हम सारे भाई लोग कॉन्टेक्ट में है कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ रुक रहा है, कैसे क्या है। मिलने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड है हम लोग, बहुत एक्साइटेड। जल्दी से भाई, अगर पता पड़ जाएगा ना, एक बार गाड़ी लेके रॉकेट बना दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ मैं, बस बूम चले जाओ, पहुँच जाओ, मिलो। के इंतज़ार तो हो नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से। अपने कुछ साथी वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, तो सबसे पहले हम जाएंगे बेचेताल और फिर हम वहाँ पे मुलाकात करेंगे अपने लोगों से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं अभी पहुंचा हूं बेजताल पे और मैं अपने भाइयों का इंतजार कर रहा हूं। भैया धक धक बोला रे, धक धक, सबको मैसेज डाल रहा हूं मैं, दीड भाई को कॉल कर रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं है, बिजी आ रहा है, बस अपने दोस्तों को ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूं, किसी का रिप्लाई नहीं, लग रहा है सबके सब सुन पड़ गए। ये सब पूरा बंद पड़ा हुआ है, अब लगता है कूद के जाना पड़ेगा लग रहा है। चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे करके, थोड़ी गलती हो जाएगी तो ऊपर से नीचे भी रहूँ। चलो चलते हैं हम, डेविड भाई वगैरह वहाँ पर खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं बीचों बीच सेंटर में है, और हम निकल पड़ते साइड से। जब देखो, मैं आप लोगों से कहता था कि ये देखो मनमोहक दृश्य दिखाने ले जा रहा हूँ, पर आज मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ पे सब कुछ धक धक हो रहा है। डेविड भाई, ये डेविड भाई यहाँ पर खड़े हैं। ओके, आज तो यार दर्द दर्द हो रहा है, बुरा दर्द दर्द दर्द। कब क्या, कब क्या, कब क्या, बीपी आई हो गया है। चलो
चलो आगे का अपडेट मिला नहीं है, अपडेट मिलते ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे चिंतामणि सर का कॉल आया हुआ है। अच्छा अच्छा चिंतामणि सर, हम भी साथ में हैं आपका, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्टली। लोग आपके इंतजार में, एक ये रोनसन सर है, एक सवल भाई है उनके साथ, और भी दो चार लोग बाकी आना। हाँ कल मॉर्निंग में जी। हाँ तो उस समय आप लोग आ सकते हो। ठीक ठीक ठीक, कहाँ पहुँचना है बता देंगे। रेडिसन पार्किंग। ओके, इंतज़ार करते 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 आखिर में मैसेज आ गया, कॉल आ गया, और फिर अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। रात को नींद आया कि नहीं आया कि पता नहीं है। सुबह कल 7 बजे हम मिलने जा रहे हैं रेडिसन होटल में, और फिर मुलाकात होगी, पता नहीं क्या होगा, फोटोग्राफ्स वगैरह सब लेना है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज का दिन है सैटरडे, और कल शाम को हम लोग कल मिलने गए थे हम चिंतामणि जी से, पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आज सुबह 7:30 बजे हम मीटअप होंगे, जब यहाँ से वो ग्वालियर से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए रवाना होंगे उनके लद्दाख मिशन पे। तो आज मैं फुल ब्लैक में कल पूरे वाइट में था, आज पूरे ब्लैक में हूँ, और मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा है, धक-धक हो रहा है कसम से। ओके, उनसे क्या बात करें, कैसे बात करें, कैसे मुलाकात हो जाएगी, थोड़ा सा हर यूट्यूबर की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि ऐसे एक इम्प्रेसिव और ऐसे एक इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर से मिले और उनसे ब्लेसिंग पाए। तो आज ये मौका मिल गया, तो कैसे इस मौके को मैं छोड़ दूँ, सही है। ओके दोस्तों, फाइनली हम पार्किंग रेडिसन पे है, आप देख सामने जो बोर्ड लगा रखा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस एरिया से हम अंदर आए हुए हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये देख लीजिए। तो हम मिलने को बहुत उ चुके हैं अभी, और हम अपने भाई लोगों का, साथी लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। ओके, अपने साथी लोग यहाँ पहुँच गए, बहुत भयंकर लोग पहुँच गए यहाँ तो क्या बात है, सबकी गजब की एंट्री हो रही है। आ जाओ आ जाओ, गाड़ियाँ वहाँ पर लग जाएगी। चलो ये गाड़ियाँ देखिए, तो हमें है ना, आप देख सकते हैं रोमते खड़े हो रहे हैं कसम से, मिलने का मौका मिला हुआ है आज। ओके, आज सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये है, ये अपने भैया लोग है जो चिंतामणि सर के साथ है, और ये पजेरो गाड़ी जो बैकअप के लिए है। और भैया नमस्ते, और अभी राइड की तैयारी के लिए ये दोनों कर रहे हैं। नमस्ते भैया, बस सर से मिलना है एक बार, कैसे करके काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं। ये है भैया हमारे, ब्यूटीफुल पजेरो देख रहे हैं, ये भैया हमारे पजेरो के पायलट है जो पजेरो चला रहे हैं, और बैकअप उनके पीछे पीछे चल रहा है यहाँ से लद्दाख तक के लिए। ओके, तो हम इनको भी गुड लक कहेंगे, थैंक यू। ओके, और हम आगे सर से भी मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जल्दी 7:30 बजे का। चिंतामणि सर की फौज जो अभी आज की राइड के लिए निकल पड़ रही है। तो बैकअप गाड़ी तैयार हो गई है यहाँ पर। ओके, तो ये है हमारे ट्रेल हंटर्स, और ये अलग अलग गाड़ियाँ जो खड़ी है यहाँ पे। ये हमारी बेनेली चिंतामणि सर की गाड़ी है, जो फ्लैग आप देखा हुआ आपने, एक उनके फैन ने लगवाया था, और ये सारे गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। ये है हमारे चिंतामणि सर जी की बाइक जो आप देख सकते हो, बेनेली। ओके, पूरी गाड़ियाँ सेटअप हो रही है अभी आज के राइड के लिए, और भैया सब गाड़ियों की देखभाल कर रहे हैं। भैया यहाँ पर है, वेलकम भैया। नहीं नहीं, 7:30 बोला आपसे पहले, आप इधर हो, बिल्कुल टाइम हो भाई, टाइम पर आओ। थैंक यू आने के लिए, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आपका ग्वालियर शहर बहुत ही खूबसूरत है, रात को मैंने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
सो भैया अपनी गाड़ी को सेटअप करते हुए मैं ये सब निपटा लेता हूँ। चिंता में नहीं भैया, मेरे घर का पानी पी रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेके भी जाऊंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। ग्वालियर आने के बाद में इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ के भाई लोग, इतने गर्म ज्योति से मिले और सुबह 7:30 बजे मिलने का था, मैं 5 मिनट पहले आया भाई। यस सर, जी सर, 6 बजे आ गए, हम तो 7 बजे पहुँच गए। 7 बजे पहुँच गए थे हम लोग, 5 बजे घर से लेकिन आपने जो टाइम दिया था उस टाइम से पहले आया। वेल, बढ़िया बढ़िया, चलो थैंक यू वेरी मच और फिर मिलते हैं। अरे ये तो और इतने गर्म ज्योति के साथ में ग्वालियर में मेरा स्वागत हो रहा है, क्या क्या बताऊँ, मेरे को लग रहा है कि यहीं रह जाता हूँ। घर भैया बिल्कुल, अरे अरे अरे, इतना सम्मान। घर पहुंचोगे तो गुरु भाई को हमारा प्यार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फोटो हो जाए तो बिल्कुल नेता वाली फीलिंग आ रही है। जगह दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपको वीडियो देख के मैं भी 2017 में निकल करके आया हूँ। वेल डन। एक बार और 2017 में गया था, फेल हो गया। कौन सी बाइक है आपके पास? मेरे पास NS 200 और खतरनाक एक्सपीरियंस था, पर इस बार पूरी तैयारी से जाऊंगा। आपको पूरा वीडियोस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाऊंगा और बिल्कुल तैयारी से जाऊंगा। इस बार तो आप क्या है ना, पूरा एक बार करके आ चुके हो लद्दाख, तो दोबारा में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। पहली बार में गलतियां होती है बहुत सारी, बट गलती कर करके सीख जाता है आदमी। और आपसे एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो है आपकी सिंपलिसिटी, आपकी जीवन शैली बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और सिंपल बनाना है भाई, बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। आजकल तो मैं पूरा वो सात्विक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ आजकल, कुछ एक डेढ़ महीने से। इवन कॉफ़ी तक बंद कर दिया, ब्लैक कॉफ़ी का एडिक्शन हो गया था। मतलब लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको गुलाम बना दे उसको डिलीट कर, ये डिलीट किया, फिर ये डिलीट किया, फिर आखिरी में कॉफ़ी के लिए तर जाता था। सुबह सुबह उठते ही कॉफ़ी पीए नहीं मिलती थी, उसको भी डिलीट कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू भैया, अरे मोस्ट वेलकम भैया। हमारा दग दग थोड़ा कम हो गया अभी। दग दग कम हुआ, कम हो गया, कल से दग दग हो रहा था कब मिलेंगे कैसे और मिलेंगे। मेरा दग दग बढ़ गया, इतना धड़कन बढ़ गया, इतना प्यार मिल रहा है भाई। और अच्छे से अब आप लोग के लिए करना है काम अपने को। और आपका YouTube चैनल है रॉन यूट्यूबर, ओके। और भाई लोग वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक करके जाना और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया का वाटर बैग। अरे तू अपने टाइमलेस पे लगा देना इधर, लगा दे अमित। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो वाह। ओके तो ये है हमारे भैया का वाटर बैग। भैया वाटर बैग भैया हेडी है, रोनसन सर ने भरा है अपने हाथ। और मेरे घर का पानी, क्या बात है, छा गए यार, आरो पानी आरो। वाह, इसका ढक्कन गायब हो गया, ढक्कन गायब हो गया, ढक्कन गायब हो गया। चलो मिलेगा मिले। रेडी? यस भैया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि और हम ग्वालियर वाले आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है भाई लोग, लाइक लाइक करें, शेयर, कमेंट, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन नहीं दबाना जाना है भाई लोग। ग्वालियर राजा महाराजाओं का शहर है, तो भाई लोगों का रिक्वेस्ट तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। थैंक यू भाई लोग आने के लिए और मेरे को इतना स्पेशल फील कराने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू मिलने के लिए भैया। एक और बात में कहना चाहता हूँ। वैसे मैं दिल से डेविड भैया को थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि आज आपसे मिलने का ये सुअवसर हमें प्राप्त उन्हीं की वजह से हुआ है। डेविड भाई आज दूसरी तरह से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबसे मिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। गुड लक भैया, गुड लक, गुड लक, गुड लक सबको। सारे राइडर्स हमारे तैयार हो गए हैं, फुल्ली लोडेड, क्या बात है।
गुड लक भैया, गुड लक गुड लक गुड लक भैया भैया भैया, थैंक यू। ओके फाइनली हमारा मीटअप कंप्लीट हुआ और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई लोग। आरन तो हंस रहा है। ओके तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे वीडियो को चैनल पे आ जाओ, प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो और आगे ऐसे मजेदार वीडियोस में लाता रहूंगा। और हमारे चिंतामणि जयपुरी जी के साथ अगले वीडियो में मैं श्योर दिखूंगा। बाय।